அதே ஓரம் வந்து पानी भरा जो पानी नाव में गए ना उधर गए वहां पे नाव में गए जब इतना पानी थोड़ा था नहीं 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 था
फोन पूरा कर फाटका होता खोली है जो फाटका हो गया।
कम से कम 3 साल से नदियां सूखी पड़ी थी और प्रशासन से और सरकार से बीते वर्ष जो आंदोलन किया था उसमें मांग की गई थी कि भाई थोड़ा पानी हमें भी नदी में छोड़ो ताकि हमारे जो जल जो कुएं के जल स्तर है वो बढ़े, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी। और इस साल भगवान इंद्रदेव ने हमारे ऊपर कृपा की तो जो बीपर जो है तूफान आया उसके हिसाब से जवाई बांध पहले ही भर गया और जवाई बांध भरने से पहले ही हमारे यहाँ नदी आ गई और कम से कम बहुत दिन नदी चली और अब जो जवाई बांध है वो ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने के बाद अभी वापस जो नदी चल रही है उससे हमारे में बहुत खुशी है क्योंकि कम से कम हमारे जो कुओं के जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे चले गए थे, फ्लोराइड भी बहुत हो रहा था, मतलब बहुत तकलीफ थी हमारे यहाँ। और इस साल जो ये नदी बह रही है उससे हमें सबको खुशी है कि भाई हमारे जो कुओं में पानी आ जाएगा और फसल लेने से लगाकर पीने से लगाकर हमें मतलब शांति है। और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जवाई बांध से लगभग कम से कम हर साल थोड़ा थोड़ा पानी जवाई में छोड़ा जाए ताकि जो नदियों के किनारे बसे हुए गांव है उनको भी राहत मिले, सिर्फ खाली जो पीने के पानी और उस पर जो बड़ी बड़ी वहाँ जो किसानों को जो पानी नहर से दिया जाता है उस पर ही बहुत ध्यान दो और थोड़ा जो नदी के किनारे बसे गाँव है उनको भी ध्यान देना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है और उनको ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सबकी समस्या है, कोई एक का नहीं है। धन्यवाद। ठीक के जालोर सिरोही पाली के किसानों की खुशी की लहर है जिसमें ये कई 10-12 साल से करीब अभी मैं देख रहा हूँ 10-12 साल से करीब ये पानी तो आता नहीं है, जवाई का पानी और जवाई पुनर्भरण योजना लागू हुई नहीं है अभी, उसमें भी समय लगेगा। उसको देखते हुए और इसको उनको देखते हुए अभी जैसे ये बारिश का पानी और ये सब मिलके अभी जो बारिशें हुई थी बीपर जो के कारण और जो पानी आया है उससे कुएं तो रिचार्ज होंगे और उसमें फसल की मात्रा भी बढ़ेगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। किसान लगातार जवाई बांध के फाटक खोलने की मांग कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे अभी भी कर रहे थे लेकिन सरकार ने मांग नहीं मानी, लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी के कारण ये फाटक खुले, क्या कहना? बिल्कुल किसानों को अनसुना किया गया, इन्होंने कभी मांग मानी नहीं, उनके नहरी भूमि के ऊपर उनकी ज़्यादा फोकस है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नदी के किनारे बसे हुए हैं उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनको कम से कम थोड़ा बहुत जवाई पानी का हिस्सा देना चाहिए। किसानों में कहना है कि जवाई बांध के पुनः भरण तो अभी समय लगेगा, उसके पहले जवाई बांध के फाटक किसान कुछ विरोध कर रहे हैं कि फाटक बंद किया जाए, तो क्या बंद होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा दिन तो रिचार्ज हो, ज़्यादा दिन अगर नदियाँ चलेगी तो कुएँ रिचार्ज हो जाएंगे, जैसे कुएँ रिचार्ज होंगे तो पानी पीने के फ्लोराइड कम हो जाएगा और फ्लोराइड कम होने से बीमारियां कम हो जाएगी। और हम ये चाहते हैं ये जालोर सिरोही पाली नदी के किनारे जो बसे हुए गांव है हम ये चाहते हैं कि नदी को ऐसे ही फाटक ऐसे खुला रहने दिया जाए और उन मतलब खुला रहने से जैसे कुएं रिचार्ज बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और पानी की आवक बढ़ जाएगी।